So well, hello guys out there. This is me, Tushar Srivastav, once again in front of you guys. और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं एक बहुत ही अच्छे सरप्राइज़ को आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ, जो कि है सिंगिंग की वीडियोस। जैसे कि आप सब लोगों ने मुझसे बोला था कि सिंगिंग के ऊपर ट्यूटोरियल्स को लेकर आइए, और आप सबसे मैंने बोला था कि मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, और उसके लिए मैंने पोस्ट भी डाला था। और उस पोस्ट पर आप सबके कमेंट्स को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप लोग कितने ज़्यादा पैशनेट हैं इस चीज़ को लेकर। तो चलिए, क्यों देरी करते हैं इस चीज़ के लिए, मैं लेकर आ चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियोज़ को, जिससे कि मैं विश्वास करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगा। यहां पर मैं खुद नहीं बल्कि जिनसे मैंने सीखा है, जो मेरे गुरुजी हैं, उनके साथ में इस वीडियोस को लेकर आ रहा हूं, और आपको डायरेक्टली उनसे सीखने को मिलेगा। और हां, मैं ये विश्वास करता हूं कि अगर आप अच्छे से इस वीडियोस को देखेंगे और ध्यान से सचमुच पैशनेट होकर, है ना, सीरियसली इस चीज के साथ इन वीडियोस को देखकर, अगर आप चाहेंगे कि मैं सीख लूं, प्रैक्टिस करेंगे और फॉलो करेंगे वीडियोस के अंदर जो भी चीजों को बताया जाएगा, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सिंगिंग को सीख सकते हैं और अपने लाइफ में जो भी आप सिंगिंग से रिलेटेड करना चाहते हैं उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी करते हुए मैं आप सभी को अपने गुरुजी प्रसेंजीत बनर्जी सर से मिलवाता हूं, और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हम आगे वीडियोस को कवर करने वाले हैं और किस तरीके से हम मिलकर आप सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर करने वाले हैं, जिससे आप और हम सबको बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और मिलते हैं मेरे गुरुजी प्रसेंजीत बनर्जी सर से। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं आपके साथ मिलकर वीडियोस को कर पा रहा हूँ, और अब हम लोग मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इन वीडियोस के ऊपर वर्क करेंगे और बेस्ट से बेस्ट अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए हम वीडियोस को लेकर आएंगे। तो सर, आप क्या बोलना चाहते हैं कि किन चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत इनको ध्यान रखना चाहिए, फिर हम लोग किस तरीके से लेकर आएंगे वीडियोस को, और क्या क्या आप थोड़ा बहुत किस तरीके से ब्रीफ देना चाहते हैं कि इन चीज़ों का ये लोग ध्यान रखें और वीडियोस के लिए तैयार हो जाए? ठीक है, ओके। सबसे पहली बात यह है कि लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंगिंग। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सिंगिंग है क्या। Definitely singing is something like it's a blessing of God, ईश्वर से जो हमको blessings मिलती है। तो अगर ईश्वर से हमको blessing मिली है तो, but in the same time उस blessing को हम किस तरह से हम उसको nurture कर सकते हैं, उसको किस तरह से हम improve कर सकते हैं। जी जी, ठीक है। Definitely singing is an art, but it is a science. It's a science. Singing is definitely a science. Yes. हम गाते हैं, ठीक है, हम गा रहे हैं, लेकिन हम कैसे गा रहे हैं, लेट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हमें समझना पड़ेगा, देयर आर थ्री ऑर्गन्स बेसिकली हमारे थी। मैं तीन चीजों पे काम करता हूँ हमेशा। मैंने तुमको जब तुम फर्स्ट टाइम आए थे, मैंने कहा था हम ग्रेजुअली तीन पार्ट्स में काम करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, देखो, पहला चीज हमारा लंग्स, दूसरा हमारा ईयर्स, तीसरा होता है हमारा वोकल कॉर्ड। ठीक है, वोकल कॉर्ड की जहां तक बात करें, जैसे हमारा वॉइस जिसको हम कहते हैं ना टोनल क्वालिटी, जी सर, ठीक है, वो टोनल क्वालिटी पे वी कैन नॉट वर्क ऑन इट, बिकॉज ये एक ऐसी, ये एक एक्चुअली मस्कुलर एक चीज है जो ईश्वर ने दी है। लाइक किसी की हाइट अगर 6 फिट है और किसी की हाइट 4 फिट है, तो वो ईश्वर की देन है ना, वो मस्कुलर एक क्रिएशन है गॉड की, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम हम बात करें, अगर सिर्फ वो हम टोनल क्वालिटी की बात करें, तो देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स इन दिस इंडस्ट्री, लाइक लता जी थी, है ना, रफी साहब, कितने सुंदर, कितना क्या सुंदर आवाज। एट द सेम टाइम वी हैव नुसरत साहब, द ग्रेट नुसरत साहब, बिल्कुल, है ना, कैलाश खेर जी, मतलब इनकी वॉइस क्वालिटी उतनी सुंदर नहीं थी, बट द वे दे यूज टू सिंग, What they worked on, उन्होंने अपने lungs पर, अपने ears पे काम, ears पे काम करा, जी जी जी, है ना। तो उसको किस तरह से, जैसे उसमें हम काफी चीजें सीखते हैं। पहला चीज lungs, पहला काम हमें यही है कि हमें अपने lungs को strong करना होगा। अगर भगवान ने ईश्वर भी दिया है तो lungs, ईश्वर ने अगर हमारे ears दिए हैं, बट हमको अपने lungs को strong करना पड़ेगा, उसकी एक्सरसाइज है। मान के चलिए मेरी वॉइस, किसी की वॉइस थोड़ी सी लाइक थ्रो नहीं है, तो हाउ टू क्रिएट दैट थ्रो, वो थ्रो के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, हर चीज की एक्सरसाइज है, हर चीज का कोई ना कोई लेसन है, है ना। जैसे हम लोग वी यूज टू वर्क ऑन सर्टेन कॉम्पोजिशंस, की तुम कहते रहे ये वाला कॉम्पोजिशन है सर, अब ये नहीं हो रहा है, कैसे करें, तो उसके लिए वी यूज टू प्रैक्टिस सर्टेन थिंग्स, हम कुछ चीजें प्रैक्टिस करते रहे, क्या प्रैक्टिस करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है। एक्चुअली इस पूरी
इंडस्ट्री में इतने मिथ्स चल रहे हैं, इतने सारे मिथ चल रहे हैं कि इसमें सिंगिंग में ये नहीं करना होता है, उसमें ये नहीं करना होता, उसमें ऐसा करना होता, उसमें ऐसा करना होता, नहीं क्लासिकल अच्छा है कि वेस्टर्न अच्छा है, नहीं, इट देयर इज नथिंग लाइक क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक। मैंने क्लासिकल सीखा है, आई एम फ्रॉम ग्वालियर घराना, जी जी सर, है ना। तो मैंने मेरे पूरे मेरे चार पीढ़ियों से प्रैक्टिस वोकल्स चल रहा है, मैं सीख रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम मेरे पिताजी से जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है देयर इज नथिंग लाइक क्लासिकल म्यूजिक। सबसे पहले वो हम बाद में सीखेंगे क्लासिकल म्यूजिक, पहले हम सीखेंगे सुर। राग तो बहुत बात की बात हो गई भाई, की बात हो गई, सही बात है। पहले हम सुर को पकड़ना सीखे, जी जी जी, कौन सा सुर कहाँ पे है। 22 श्रुतियां हैं, 22 श्रुतियों में हमारे 12 सुर हैं कोमल तीव्र मिला के सब, कौन सा किस पे टिक रहा है, कौन से राग में कौन सा श्रुति आ रही है, कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, बिल्कुल, है ना। हम जब अलंकार का प्रैक्टिस करते हैं, हम गा रहे होते हैं, हम दोनों हम सुरों को मिला मिला के गा रहे होते हैं, एंड व्हाट आई डू, मैं कहता हूँ ब्रेक करके गाओ, तब पता लगेगा कान की, दैट इज फॉर इयर्स, वो एक्सरसाइज इयर्स की है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हम ग्रेजुअली इसमें हम ऐसा काम करते हैं, हमारी जो फर्दर वीडियोज आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काम करेंगे अपने स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ पहले हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, जी, पहला एक्सरसाइज, पहला लेसन आप सभी के लिए, जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे, जितने भी चाहते हैं लाइक हमारे साथ म्यूजिक सीखना, पहला आपको पहला द फर्स्ट स्टेप फॉर यू इज दैट आपको किसी एक पर्टिकुलर नोट को पकड़िए, आप उस नोट पे 30 सेकेंड्स, मिनिमम 30 सेकेंड्स के लिए आपको उस नोट को गाना है, बिल्कुल, मिनिमम बेयर मिनिमम 30 सेकेंड्स। इस पूरी इंडस्ट्री में चाहे हम गजल ले रहे या बॉलीवुड के सॉन्ग्स ले रहे हैं, कोई भी कंपोजिशन है, कोई भी जी जी, 99.99% कंपोजिशंस में आप मान के चलो कि 25 सेकंड्स में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉज, ऐसा आपको पॉज मिल जाता है जहां पे यू कैन टेक अ ब्रेथ, बिल्कुल। और हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है जितने सेकंड्स की भी है, आप मान के चलिए लास्ट के 5 to 7 seconds की जो एयर रह जाती है हमारे लंग्स, उस एयर में आप कभी भी, क्योंकि भाई आवाज कैसे निकल रही है, जब हम तो ये जो हमारा जो एयर पास हो रहा है साउंड बॉक्स से, उससे आवाज निकल रही है, है ना। आप कभी सोच के देखिएगा, विदाउट पासिंग एयर हम अपने मुंह से हम बात भी कर रहे हैं, गाने की तो बात भी है, हम अगर बात भी कर रहे हैं और हमारे मुंह से अगर एयर पास नहीं हो रही, क्या हमारी साउंड निकलेगी, पॉसिबल नहीं है। हम बात कर रहे हैं, आप हाथ रख के देखिए, हर साउंड पे एयर निकल रही है। अब अच्छा सिंगर कौन है जिसका कंट्रोल है उस एयर को कितने फर्मली साउंड बॉक्स से निकाल रहा है, साउंड बॉक्स से निकाल रहा है, जी 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 बिल्कुल, है कि बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सर। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, हम इस पे बात करेंगे, जी 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 हम इस पे बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये मतलब डिटेल वाली चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोगों को नहीं पता, बिकॉज जब भी मैंने भी इस चीज़ को जाना है और समझा है कि जब कोई सिंगिंग सीखना चाहता है तो मोस्टली सबसे पहले तो डायरेक्टली सॉन्ग्स को पकड़ के करते कि भाई ये सॉन्ग इस तरीके से गाना चाहिए, और मतलब उसमें उन बिगनर्स के लिए तो कोई बुराई नहीं है, बिकॉज उनको नहीं पता है कि सुर के बारे में, थोड़ा बहुत हल्के हल्के पता होना चालू होता है कि सारे गामा पाधा नीसा, है ना, यानी कि सुर को समझना चालू होते हैं लोग, फिर इसको करके रह जाते हैं, फिर कई लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या पता चल जाता है अलंकार के बारे में, है ना, ऑनलाइन वीडियोस में ये समझ में आ जाता है कि ऐसे अलंकार लीजिए, लेकिन मैं समझता हूँ और मैंने देखा है कि इस तरीके की वीडियोस नहीं मिलती जो डायनेमिक्स के ऊपर बात करें और जो टेक्सचर्स के ऊपर बात करें और जो मतलब सुर के बारे में, सिर्फ सुर ही नहीं बल्कि आवाज़ को बनाना सिखाएं, बिकॉज सुर वो लोग गाना सिखाते हैं, लेकिन अगर आप आवाज़ अच्छी बना लेंगे, अगर आप वही चीज़ से सर आपने जो मेन जो कहते हैं ना एकदम जो मेन जो कड़ी है, वो चीज़ जो आपने सर बताई कि विंड के बारे में किस तरीके से एयर निकल रही है, उसके ऊपर ब्रेथ कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, तो अगर उस चीज़ को कंट्रोल करना आ जाए और उसी के साथ साथ अगर हम लोग मतलब सुरों का रियाज करें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये तो बहुत छोटी ही बातें थी, बहुत ही कम बातें थी, बहुत कम शब्दों में बताया गया है, क्योंकि बातें तो इतनी ज़्यादा है कि अगर आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन की वीडियोस भी कम पड़ जाएंगी, इसलिए आप सबके लिए टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग वीडियोस लेकर आने वाले हैं, और इसको बस एक ट्रेलर समझिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस को हम लोग लेकर आने वाले हैं, और सर के साथ आपको सीखने को मिलेगा, मैं भी हूँगा इसमें, और जो भी आप लोग के अगर क्वेरीज हैं, जिसके ऊपर क्वेरीज है, जो भी आप बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपके उन टॉपिक्स को भी हम कोशिश करेंगे अपनी वीडियोज़ के अंदर कवर करने की, बिकॉज हम सब आप ही
के लिए वीडियोस बना रहे हैं और आप ही के लिए बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं। और सर यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, एक समझ लीजिए आप सब, एक बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की बात है आप सभी के लिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सीखने को मिलेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियोज़ को देखिएगा तो और उन सारी नॉर्मल वीडियोज़ की तरह नहीं या फिर कोई भी वीडियोज़ की तरह नहीं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रख के, पैशनेट होके और ध्यान रख कर देखिएगा। बिकॉज मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप इन वीडियोज़ को फॉलो कर लेंगे तो आप सचमुच अपने उन गोल्स की तरफ और आगे बढ़ पाएंगे जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं। सो सर, हम लोग आखिरी इस वीडियो में बस यही बात करते हैं और अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि हम बहुत ही जल्दी वीडियोस को लेकर आने वाले हैं, किन चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत ये लोग काम कर सकते हैं और किस किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं कि उन वीडियोस को ताकि वो देखें और ज़्यादा ज़्यादा सीख पाए। तो थोड़ा बहुत सर ये टिप, जो भी थोड़े बहुत टिप्स हो पाए अभी आप बता दीजिए व्यूअर्स को ताकि ये लोग रेडी हो जाए अपने वीडियोज़ के। डेफिनेटली देखिए, इसका फ़ायदा इन वीडियोज़ को देखने का बेनिफिट तब मिलेगा जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप जो मैंने बताया कि लाइक एक सुर को आप ट्राई करिए, ऑन एन एवरेज मैं समझता हूँ 15-16 सेकंड तक सब लोग होल्ड कर लेते हैं, बट यू हैव टू ट्रैक इट टिल 30, मिनिमम 30 इज नॉट द टारगेट, 30 इज मिनिमम, बट यू शुड एक्सीड इट अप टू लाइक 45-50 सेकंड्स, लाइक बिल्कुल जितना आपका लंग स्ट्रांग होगा उतना आप जो यू विल लेट द एयर पास एट योर ओन विश, एट योर ओन विल, अपने मर्जी से, अपने मर्जी के हिसाब से आप एयर पास करेंगे तो कंट्रोल एयर जाएगी, तो सुर कभी भटकेगा नहीं, जबरदस्ती ना करें कि सांस खत्म हो रही है। हाँ। जी, सुर कभी भटकेगा नहीं उसके लिए। और एक बड़ा एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि पेट से गाओ, पेट से बहुत बड़ा मिथ है, पेट से गाने का मतलब नहीं है। देखिए अगर हम बात करें मंद्र मध्य तार, तीन सप्तक होते हैं जी सर, मंद्र मध्य तार और अति तार, उसमें अति तार में तो बहुत कम ही सिंगर्स गा पाते हैं। परवीन सुल्ताना जी गाती थी क्या, मतलब फीमेल होके इतनी हाई नोट से वो गाते थे। तो मंद्र मध्य तार हम इसकी बात करें बेसिक, तो मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक एंड तार सप्तक, जब तार सप्तक गाते हैं तो हमारा मुंह ऑटोमेटिकली खुल जाता है ना जी, है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें प्रैक्टिस क्या करनी है हमें, और एक और मिथ की सुबह रियाज, नीचे के स्वर का रियाज करना है, ऊपर के स्वर का रियाज नहीं करना है, ये बिल्कुल मिथ है। मैं आपको बताता हूँ, आप जब स्टार्ट करें तो डेफिनेटली लोअर नोट्स पे स्टार्ट करें, 15-20 मिनट, 10 मिनट में आपका बॉडी, आप जैसे जस्ट लाइक आप अगर जिम जाते होंगे, पहले जिम में जाते ही तो आपने सीधा आपने डंबल उठाया है, पहले नॉर्मल आपने वार्म अप किया है ना, तो 10 मिनट का वार्म अप के बाद आप यू कैन डू योर एक्सरसाइज, वैसे ही वोकल्स का है कि आप 10 मिनट के लिए आप मंत्र का रियाज कीजिए, उसके बाद आप मध्य और तार में जा सकते हैं सुबह, ऐसा कोई मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप नहीं गा सकते। और देखिए सबके गले की अपनी टेक्सचर होती है, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं पी सकते हैं, नो इश्यूज, मतलब बहुत हद से ज्यादा ना करें किसी भी। सबसे बड़ी चीज है ठंडा पानी कब नहीं पीना है, जब आप गा रहे हैं तब आपको बिल्कुल नहीं पीना, नहीं पीना है, बिल्कुल नॉर्मल वाटर, हाँ जी बिल्कुल, अगर गर्मियां हैं सादा पानी, गा रहे हैं तो आपने गाया, आपका गला ड्राई हुआ, आपने एक सिप लिया, फिर गाया, फिर आपने एक सिप लिया, क्यों गले को आपको ड्राई नहीं होने देना है ना, उसको आपको वेट रखना है। और यूजुअल डेज में जैसे आप खा पी रहे हैं, आप खाइए पिए, कोई इशू नहीं है, बट जब आप गा रहे हैं उस टाइम पे, और अगर विंटर्स है तो डेफिनेटली ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, गाते वक्त जी जी गाते पानी उस टाइम पे आप नहीं पीजिए, इन चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सब बस ऐसा ही करिए कि जब भी वीडियोस को आप लेकर बैठे सीखने के लिए तो उससे पहले आप ये कोशिश करिए कि ठंडा पानी ना पिए और सादा पानी पिए, और जब आप प्रैक्टिस करें तो जिन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आप सभी के लिए बोला गया है उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बस इतना ही है, बहुत ही ज़्यादा कोई मैथ्स नहीं है जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ेगी, अगर आप हम आपको इजी तरीके से ईजीएस्ट वे में बताएंगे जो कि आपको सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज होगी और बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि रेयर नॉलेज होगी जो कि हर जगह आपको सीखने को नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ साथ हम लोग इस वीडियो को रैप अप करते हैं और आप सब तैयार हो जाइए आने वाली वीडियोस के लिए, और अगर आप इस चीज़ के लिए एक्साइटेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप
सबको कैसा लग रहा है, इस इनिशिएट को जो हम लोग ले रहे हैं आप सभी के लिए आपको कैसा लग रहा है, और जो भी आपकी क्वेरीज है या जो भी टॉपिक्स जिसके ऊपर आप अलग से वीडियोस चाहते हैं, स्पेशली वीडियोस चाहते हैं, फिर कवर करवाना चाहते हैं हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर, तो बताना बिल्कुल भी ना भूलें। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने आने वाली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।